मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि आलू को जब भी आपको बॉईल करना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कटलेट्स बनाएं, चाहे आप सैलड बनाएं, चाहे आप कुछ भी आलू का भुर्ता बनाएं, आलू के पराठे बनाएं, कुछ भी आप करें, प्लीज़ कभी भी आलू को छिलके के साथ नहीं उबालते, नेवर। क्यों? बिकॉज वो अपनी लेस छोड़ देता है, चिकनाहट छोड़ता है, एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू हैंडल इट। ठीक है, वो आपको तंग करता है। कबाब तो आप बना ही नहीं सकते, उसके वजह से चिकनी चिकनी होती है। तो हमेशा आलू को आप पील करेंगे, छिलका उतारेंगे, उसके क्यूब्स, अच्छा, और कच्चे आलू को जब आप पील करते हैं तो आप देखें उसके क्यूब्स भी एक साइज़ के बनते हैं। अगर आपने आलू को छिलके के साथ बॉईल कर लिया और फिर उसका छिलका उतार के अगर उसको आप काटेंगे, कभी भी उसका पीस एक जैसा नहीं होगा, वो कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा। तो इसलिए हमेशा मैं आपको कहती हूँ,